अवतार फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं है, आपको एक नई दुनिया में ले जाती है। साल 2009 में इस मूवी ने इतिहास बना दिया था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में तबाही मचा दी और रिकॉर्ड बनाए थे। अब जाके अवतार का पार्ट 2 दिसंबर में रिलीज होने वाला है। इससे पहले मैं आपको बताने वाला अवतार से जुड़ी कुछ गजब की बातें, तो वीडियो गजब का होने वाला है, इसलिए बने रही आखिरी तक। नंबर में बताया जाता है कि जेम्स कैमरून अवतार पर साल 1994 से ही काम कर रहे थे। वो अपनी टाइटैनिक मूवी के बाद साल 1999 में अवतार को रिलीज करना चाहते थे, लेकिन वो जिस तरह का स्पेशल इफेक्ट चाहते थे वो उस समय मौजूद नहीं था। इस वजह से उन्हें इस फिल्म को कुछ समय के लिए टालना पड़ा। नंबर 2 ये कहा जाता कि जेम्स कैमरून भारतीय पुराणों से बहुत इंस्पायर थे। उन्होंने विष्णु के 10 अवतार से अवतार शब्द लिया था। इसके अलावा भारतीय संस्कृति में भी देवताओं का चित्रण नीले कलर से किया गया है। इनसे इंस्पायर होकर जेम्स ने अपनी फिल्म का नाम अवतार रखा था और फिल्म के कैरेक्टर्स का रंग नीला था। और यह भी दावा किया जाता है कि जेम्स को फिल्म का टाइटल का सुझाव बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने दिया था। नंबर 3 अवतार मूवी के बारे में यह भी कहा जाता है कि मलयालम के सुपरस्टार मोटनलाल की मूवी वियतनाम कॉलोनी से काफी हद तक मिलती जुलती थी। फिल्म रिलीज होने के बाद करीब 7 लोगों ने जेम्स पर कहानी चुराने का आरोप भी लगाया था और बाद में जेम्स ने कोर्ट में एक कॉपी भेजी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने फिल्म का आइडिया कहां से लाया था और जेम्स ने एक केस जीत भी लिया था। नंबर 4 अवतार मूवी ने जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक का ही 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ये मूवी दुनिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बन गई थी। 10 सालों तक कोई इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया था। इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एवेंजर एंड गेम मूवी को 2 बार रिलीज करना पड़ा था। नंबर 5 अब फैंस अवतार के पार्ट 2 का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया के मुताबिक इस फिल्म में जैक के कैरेक्टर में सैम वर्थिंगटन नजर आएंगे। इसके अलावा कैट विंस्लेट सहित कई स्टार फिल्म में नजर आएंगे। 16 दिसंबर 2022 को अवतार का पार्ट 2 थिएटर में रिलीज होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसी कमाल कमाल की फैक्ट से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।